पेड़ पर दो पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। रानो चिड़िया बहुत समझदार और मेहनती चिड़िया थी, जबकि मिट्ठू तोता बिल्कुल ही आलसी था, जो हर काम को आगे टाल दिया करता था। एक बार की बात है, रानो चिड़िया अपनी चोंच में घास लेकर अपना घोंसला ठीक करने आती है और मिट्ठू तोते को आराम से डाल पर सोते हुए देखती है। मिट्ठू, तुम अभी तक आराम कर रहे हो, बरसात का मौसम आने वाला है, जल्दी से अपना घर ठीक कर लो, वरना पानी से कैसे बचोगे? हाँ हाँ, कर लूँगा, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो बरसात आने में बहुत समय है, जब आएगा तो देखूँगा, अभी मुझे आराम करने दो। ये सुनकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया, जो अभी बहुत छोटी थी, वो पेड़ से नीचे गिर जाती है। हाय मेरी बच्ची, क्या हुआ, तू पेड़ से कैसे गिर गई? माँ, मैं बेल से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। तभी रानो चिड़िया की नज़र पेड़ के नीचे पड़ती है और वो देखती है कि पेड़ की जड़ से एक बेल उग आई है, जो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ रही है, जिस पर उसका दूसरा बच्चा गुड्डू चिड़ा लटका हुआ है। रानो चिड़िया बेल देखकर घबरा जाती है। ओह, यह बेल कब यहाँ पर आ गई, अब क्या होगा? गुड्डू, जल्दी वहाँ से नीचे उतरो, अगर यह बेल बढ़ते बढ़ते ऊपर हमारे घोंसले तक पहुँच गई, फिर तो कोई भी ऊपर चढ़ सकता है, कहीं कोई शिकारी इस बेल से ऊपर चढ़ गया तो हम सबको पकड़ कर ले जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। रानो चिड़िया घबरा कर तुरंत यह बात मिट्ठू को बताने जाती है, पर मिट्ठू अभी तक सो रहा था, उसके बच्चे घोंसले से उसे देख रहे थे। इतनी बड़ी मुसीबत हो गई है, लेकिन इस मिट्ठू को सोने से फुर्सत ही नहीं है। मिट्ठू, अरे ओह, मिट्ठू उठो। हाँ, कौन है, क्या हुआ? अरे मैं हूँ रानो, मेरे साथ जल्दी नीचे चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ हाँ, चलता हूँ, इतनी जल्दी क्या है, अभी अभी तो सो के उठा हूँ, थोड़ा आराम तो कर लेने दो। सोने के बाद भी आराम? अरे जल्दी चलो, वरना आराम करने के लिए ये घोंसला और तुम दोनों ही नहीं रहेंगे। मतलब ऐसा क्या हो गया? वही तो दिखाने आई हूँ, अब चलो मेरे साथ। वो देखो, ये बेल पेड़ पर चढ़ रही है। हाँ तो इससे क्या हो गया, इसमें डरने वाली कौन सी बात है, बेल ही तो है, चढ़ने दो। अरे अगर ये बेल ऊपर तक चढ़ गई, तो कोई भी शिकारी या जानवर इसे पकड़कर ऊपर आ सकता है और हमें पकड़ सकता है, हमें इसे हटाना होगा, चलो इसे काट देते हैं, इससे पहले कि ये और बढ़े। बात तो तुम सही कह रही हो रानो, पर अभी तो ये बहुत छोटी है, इतनी जल्दी ऊपर नहीं आने वाली, इसे आराम से कल काट लेंगे, जल्दी क्या है। पर अभी यह बेल नाजुक है, हम इसे आराम से काट सकते हैं, अगर यह बड़ी होकर सख्त हो गई, तो फिर हम इसे नहीं काट पाएंगे। अरे काट कैसे नहीं पाएंगे, मेरी नुकीली और तेज चोंच किस दिन काम आएगी, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब चलो आराम करते हैं। अरे मिट्ठू, चलो मेरी बात मान लो, उस बेल को काट देते हैं, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। हाँ काट देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। रानो चिड़िया के बार बार समझाने पर भी मिट्ठू तोते को बात समझ में नहीं आई, पर रानो उस बेल को देखकर डर गई थी, लेकिन बेल को काटना अकेले उसके बस की बात नहीं थी। बेचारी रानो चिड़िया चुपचाप टेंशन में नीचे बैठ के पेड़ पर चढ़ती बेल को देख रही होती है, फिर वो जाके उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन बेल बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं कटती। ओहो, ऐसे धीरे धीरे तो बेल काटने में बहुत समय लग जाएगा, मिट्ठू की मदद के बिना यह संभव नहीं है। रानो चिड़िया के पास अब और कोई उपाय नहीं था सिवाय मिट्ठू का इंतजार करने के। समय बीतता गया और बेल बड़ी होते हुए पेड़ पर ऊपर चढ़ने लगी। रानो चिड़िया चुपचाप यह टेंशन में देखती रहती है, फिर कभी अपनी चोंच से उसे काटने की कोशिश करती है, तो कभी अपने पंजे से उसे हटाना चाहती है, पर सफल नहीं हो पाती। रानो चिड़िया हार कर फिर से मिट्टू के पास जाती है और वहां जाकर देखती है वो आराम से बैठ के चने खा रहा है। मिट्ठू रानो चिड़िया को देखता है और उससे कहता है, रानो मेरी दोस्त, आओ आओ चने खाओ। मिट्ठू, हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट आने वाला है और तुम यहाँ मजे से चने खा रहे हो, वो बेल बढ़कर बिल्कुल ऊपर आ गई है, हमें उसे काट देना चाहिए। अच्छा वो बेल, तुम अभी तक उसी की चिंता में हो, वो अभी भी बहुत नीचे है, तुम चिंता मत करो, हम मिलकर उसे काट देंगे, अभी अभी चने खाए हैं, थोड़ा आराम तो कर लो, फिर इसके बारे में सोचते हैं।
मिट्ठू तोते ने अपने आलस के कारण फिर एक बार रानो चिड़िया की बात टाल दी। रानो चिड़िया वहाँ से फिर से निराश होकर अपने घोंसले में चली गई। बेल बढ़ते हुए ऊपर उनके घोंसले तक पहुँच जाती है। रानो चिड़िया यह देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई। ये बेल तो हमारे घोंसले तक आ गई, अब यह पेड़ रहने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। रानो चिड़िया को खतरा समझ में आ चुका था और उसने अपने बच्चों के साथ उस पेड़ को छोड़ने का फैसला कर लिया और मिट्ठू के पास गई। मिट्ठू, अब यह पेड़ हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बेल हमारे घोंसले तक आ गई है। मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ, इससे पहले कि बेल के सहारे कोई शिकारी ऊपर चढ़कर हमें पकड़ ले। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने बच्चों को लेकर मेरे साथ चलो। रानो, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। यहाँ इस जंगल में कोई भी नहीं आने वाला, घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? शिकारी तो आना होता तो अब तक आ भी चुका होता। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मिट्ठू अपने आलस के कारण फिर से रानो चिड़िया की बात नहीं सुनता। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और जैसा कि रानो चिड़िया को डर था, एक दिन जंगल में एक शिकारी इंसान आया और शिकार की तलाश करने लगा। उसी समय उसकी नज़र मिट्ठू के बच्चों पर पड़ी और उसने उन्हें पकड़ने की सोची। वाह, कितने सुंदर तोते के बच्चे हैं, इन्हें मैं पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे बच्चे इनके साथ खेलकर बहुत खुश होंगे। शिकारी उसी बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ जाता है और चुपके से मिट्ठू के बच्चों को पकड़ के पिंजरे में डाल देता है। बचाओ बचाओ पापा, बचाओ बचाओ बचाओ। रुको रुको, मेरे बच्चों को छोड़ दो मेरे बच्चों को। मिट्ठू तोता चिल्लाता रहा लेकिन शिकारी ने उसकी एक न सुनी और मिट्ठू के बच्चों को अपने साथ लेकर चला गया। मिट्ठू अब रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। काश मैंने रानो चिड़िया की बात मान ली होती तो आज मेरे बच्चे मेरे साथ होते। और इस तरह मिट्ठू तोते को अपने आलस के कारण अपने बच्चों से हाथ धोना पड़ गया। ऐसे ही कुछ समय बीत गया, रानो चिड़िया मिट्ठू तोते से मिलने आई। अरे मिट्ठू भैया, आपके बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। मिट्ठू तोता रानो की बात सुनकर बहुत रोता है और उससे कहता है, रानो काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मेरे बच्चे मेरे साथ होते। मेरे बच्चों को शिकारी इंसान उठा कर ले गया और मैं कुछ नहीं कर सका। मिट्ठू, मैं तो तुमसे पहले ही कहती थी कि इस बेल को काट देते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। अब रोने से कुछ नहीं होगा, चलो तुम्हारे बच्चों को ढूंढते हैं। फिर दोनों मिलकर बच्चों को ढूंढने के लिए नदी पार जंगल में चले जाते हैं और उसी शिकारी इंसान के घर पहुंचते हैं। रानो चिड़िया को मिट्ठू तोते के बच्चे दिख जाते हैं। वो देखो मिट्ठू भैया, तुम्हारे बच्चे वहाँ पिंजरे में कैद है। हम एक काम करते हैं, मैं शिकारी इंसान को अपनी बातों में उलझाती हूँ और तुम अपनी चोंच से पिंजरे का ताला खोल देना, फिर बच्चों को अपने साथ ले जाना। रानो चिड़िया के कहने पर मिट्ठू तोता ऐसा ही करता है और अपने बच्चों को पिंजरे से आजाद कर लेता है। फिर वो दोनों बच्चों को लेकर अपने जंगल आ जाते हैं। रानो, तुमने मेरी बहुत मदद की, अब मुझे समझ में आ गया है। मैं कभी भी आलस नहीं करूंगा और हर काम बहुत मेहनत से करूंगा। अच्छी बात है मिट्ठू भैया, जो तुम समझ गए, हमें आलस कभी नहीं करना चाहिए और कोई भी काम छोटा हो या बड़ा पूरी मेहनत से करना चाहिए। चिड़िया आंटी, मुझे वो बड़े बड़े मोटे मोटे दानों वाली मूंगफली दे दे आप। ये लो बेटी, तुम मूंगफली खाओ, मेरी मूंगफली बहुत ही मीठी और स्वादिष्ट है। तभी वहाँ तोता भी रानो चिड़िया से मूंगफली खाने के लिए आ जाता है। मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम गरम मीठी मीठी स्वादिष्ट मूंगफली ले लो मूंगफली। रानो ये लो 20 रुपए और मुझे भी एक प्लेट मूंगफली दे दो। फिर भूरी, लाडो और तोता अपनी अपनी मूंगफली खाने लगते हैं। तभी वहाँ एक छोटा पक्षी आता है। मेरा भी मूंगफली खाने का मन कर रहा है मगर मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास ये मूंगफली है ना, आप भी तो मेरे दोस्त हो इसलिए मेरे साथ ये मूंगफली खा लो। फिर लाडो अपनी मूंगफली में से कबूतर के बच्चे को खिला देती है और वो बहुत मजे से उन मूंगफली को खाता है। खाने के बाद वो कहता है, लाडो ये मूंगफली तो बहुत स्वादिष्ट थी, मेरा मन कर रहा है कि मैं और ढेर सारी मूंगफली खाऊं। क्या भैया, ढेर सारी मूंगफली? इतनी सारी मूंगफली खाने के लिए तुम पैसे कहाँ से लाओगे?
हाँ लाडो, ऐसा तो है। फिर शाम हो जाती है और वो दोनों छोटे पंछी अपने अपने घर को चले जाते हैं। उसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी भी रहते थे। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी सुनो तो, आजकल रानो चिड़िया की मूंगफली बहुत बिक रही है और उसका मुनाफा भी अच्छा हो रहा है। क्यों ना हम भी मूंगफली बेचना शुरू कर दें, हमें भी मुनाफा अच्छा होगा। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है और ऐसे तो हम बहुत ही जल्द अमीर बन जाएंगे। मगर कालू जी, समस्या ये है कि हम मूंगफली लाएंगे कहाँ से? उस रानो का तो अपना खेत है। हम रानो के खेत से वही मूंगफलियाँ चुरा लेंगे और हम उन्हें दिन में बेच दिया करेंगे। वाह कालू जी वाह, दिमाग हो तो तुम जैसा। अब हम उस रानो चिड़िया की मूंगफली चुरा कर बेचेंगे। चलो हम अभी जाकर रानो के खेत से मूंगफली चुरा लाते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर से निकल जाते हैं। गोरी, मैं मूंगफली इकट्ठा करता हूँ और तुम उन्हें बोरी में डालती जाओ। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। फिर वो दोनों मूंगफली लेकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर सुबह भी हो जाती है। सुबह जब रानो चिड़िया अपने खेत में आती है तो उसे अपनी मूंगफली की फसल उजड़ी उजड़ी लगती है। मैंने तो यहाँ से अपनी मूंगफलियाँ नहीं ली थी, तो फिर यहाँ से मेरी मूंगफली कौन ले गया? शायद मैं भूल रही हूँ, मैंने ही ली होंगी। ये सोचकर वो फिर से अपनी मूंगफली का ठेला लगा लेती है और मूंगफली बेचने लगती है। मूंगफली ले लो मूंगफली, ताजी ताजी गरम गरम स्वादिष्ट मूंगफली ले लो मूंगफली, आओ आओ मूंगफली ले लो। रानो ऐसी आवाज लगाकर अपनी मूंगफली बेच रही थी। वहीं दूसरी तरफ कालू और गोरी कौवी रानो से थोड़ी दूरी पर अपना मूंगफली का ठेला भी लगा लेते हैं। गोरी, अब लगाओ आवाज, अब हम देखते हैं कि कैसे ये छोटी चिड़िया अपनी मूंगफली बेचती है। गरम गरम मेरी मूंगफली सबसे नरम, आओ आओ स्वादिष्ट स्वादिष्ट मूंगफली खाओ, जल्दी आओ। गोरी कौवी ऐसे आवाज लगाती है, अरे आज तो कालू और गोरी भी मूंगफली बेच रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं आज उन्हीं से मूंगफली खरीद कर खाता हूँ। ये कहकर तोता कालू के पास आता है और कहता है, ये लो कालू 10 रुपए और मुझे गरम गरम स्वादिष्ट सी मूंगफली दे दो। ये कालू और गोरी कहाँ से मूंगफली लेकर आए हैं? कहीं ये दोनों मेरी ही मूंगफली तो नहीं चुरा लाए? रानो चिड़िया ऐसे सोचती है कि तभी गोरी कौवी रानो चिड़िया के पास आ जाती है। ओए छोटी चिड़िया, अब हम आ गए हैं तेरा मुकाबला करने, अब तुम कहीं और जाकर अपनी मूंगफली बेचा करो। गोरी, बात मुकाबले की है तो अब तुम मुझे अपनी मूंगफली बेच कर दिखाओ। अब मैं अपनी मूंगफली आधे पैसों में बेचूंगी, तब देखूंगी कि तुम कैसे अपनी मूंगफली बेचती हो। फिर चिड़िया आवाज लगाती है, 10 रुपए में मूंगफली ले लो, आओ आओ 10 रुपए में मूंगफली ले लो, आज आधे दामों में ले लो, आओ आओ जल्दी आओ। फिर गोरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी टुनटुनी और उसकी बेटी दोनों अपने घर की तरफ जा रहे थे। जब वो चिड़िया की आवाज सुनते हैं तो उसके पास आ जाते हैं। मम्मा, आज चिड़िया आंटी आधी कीमत पर ये मूंगफली बेच रही है, आप मुझे भी दिलवा दो ना। कालू जी, अब क्या करें? अब तो सभी पक्षी उस छोटी चिड़िया के पास ही जा रहे हैं क्योंकि उसने मूंगफली की कीमत आधी कर दी है। गोरी, तो हम 5 रुपए में मूंगफली कर देंगे, कौन सा हम खरीद कर लाते हैं? उस छोटी के खेत में से ही तो चुरा कर लाते हैं, आज रात को फिर चुरा लाएंगे, हम भी उससे कम दामों में बेचेंगे। फिर गोरी कौवी आवाज लगाती है, 5 रुपए में, आओ आओ 5 रुपए में मूंगफली ले लो, उस छोटी चिड़िया से भी ज्यादा स्वादिष्ट गरम गरम मूंगफली ले लो, आओ आओ 5 रुपए में मूंगफली। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये काले कौवे इन मूंगफलियों को मुफ्त में लाते हैं? हो ना हो, मुझे तो लगता है कि ये मूंगफली मेरे खेत से चोरी कर कर लाए। आज मैं अपने खेत पर पहरा दूंगी और फिर देखूंगी कि कैसे ये कालू कौवे मेरे खेत से मूंगफली चुराते हैं। फिर शाम को चिड़िया भूरा को अपने घर बुलाती है और उससे कहती है, भैया आज आप मेरे साथ चलो, मेरे खेत में से मेरी मूंगफलियों की चोरी हो रही है, इसलिए आज रात में अपने खेत पर पहरा दूंगी। हमारे जंगल में तो कोई भी चोर नहीं है। भूरा भैया, मुझे कालू और गोरी पर शक है, क्योंकि जब वो दोनों आज मूंगफली बेच रहे थे, वो मूंगफली वो मंडी से लेकर नहीं आए हैं, बल्कि वो मूंगफली उन्होंने मेरे खेत से चुराई है।
फिर चिड़िया और भूरा दोनों अपनी खेत पर आ जाते हैं और वो दोनों एक जगह छिपकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात को गोरी और कालू कौवा चिड़िया के खेत से मूंगफली चोरी करने की तैयारी कर रहे थे। कालू, कैसा रहा हमारा आज का बिजनेस? मूंगफली भी उस चिड़िया की ही और मुकाबला भी चिड़िया से ही। गौरी, जब हमने 5 रुपए में मूंगफली की आवाज लगाई तो चिड़िया का मुंह देखने लायक था। हाय, वो बेचारी रो रही है। कालू जी, अब चलो जल्दी से, मैं बोरी उठा लेती हूँ, फिर हम दोनों आज भी चिड़िया के खेत से मूंगफली चुरा लाते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के खेत से मूंगफली चुराने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते थे कि आज वो बुरी तरह पिटने वाले हैं। आज मैं तोड़ती हूँ और तुम जल्दी से बोरी में भरो। गोरी, आज कल हमें तो बहुत मजा आ रहा है, उस चिड़िया की फ्री की मूंगफली चुराकर बहुत पैसे कमा रहे हैं। हाँ कालू जी, और मुझे तो इस छोटी चिड़िया की मूंगफली चोरी करने में बहुत मजा आता है। आज मैं देती हूँ तुम्हें मजा। भूरा भैया कहाँ है? और मेरी वो बड़ी वाली लाठी? फिर चिड़िया लाठी लेकर जल्दी से पीछे से आती है और उन दोनों काले कौवों को बहुत मारती है। कौन है? कौन है यहाँ? अरे कालू, ये तो चिड़िया आ गई। बचाओ, कोई हमें बचाओ। परंतु चिड़िया कहाँ रुकने वाली थी, वो तो उन दोनों की खूब पिटाई करती है। तभी भूरा चिड़ा वहाँ आकर चिड़िया को रोकता है। छोड़ दो हमें, माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम अब कभी भी तुम्हारी मूंगफली नहीं चुराएंगे। प्लीज चिड़िया छोड़ दो। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ से फिर उड़ जाते हैं और वो दोनों पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। चिड़िया, अब आज के बाद ये दोनों कभी तुम्हारी मूंगफली की चोरी नहीं करेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी गलत काम और चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत काम का अंजाम हमेशा गलत होता है। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुरानी, उठ जाओ, 6 बज रहे हैं। सॉरी माँ जी, सॉरी, कल रात को लेट सोई थी इसीलिए जल्दी आँख नहीं खुल पाई। कोई बात नहीं बहू, वैसे तो 4 दिन बाद तुम्हें 5 बजे से जागना पड़ेगा और घर की सफाई भी करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, क्योंकि नवरात्रि शुरू होने वाली है और यह तो तुम्हारी शादी के बाद पहली नवरात्रि है। तुम्हें इसके बारे में पता है ना? थोड़ा बहुत पता है माँ जी, मतलब मैं व्रत तो पहले से ही रखती थी, पर आप और बता देना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। वैसे तेरी छोटी बहन की भी शादी के बाद पहली नवरात्रि है, उसे सब मालूम है। नहीं माँ जी, मुझे नहीं लगता उसे कुछ खास मालूम होगा। पाठ पूजा में उसका ध्यान इतना कहाँ लगता था शादी से पहले भी। खैर छोड़, तू तैयार हो? रानू चिड़िया घर की सफाई करके नहाकर माता रानी की पूजा करती और फिर सबको चाय देती है। अरे बहू, आज भी बस नमकीन खाएंगे क्या? और ये चाय इतनी पानी वाली जैसी क्यों है? चीनी की जगह गुड़ की महक आ रही है। हाँ, मुझे भी कुछ अजीब सी लग रही है ये चाय पराठा हम कब तक खाएंगे? टुन्नू जी, पापा जी घर में कुछ नहीं था तो नमकीन कहाँ से आएंगे? वो तो जैसे तैसे जुगाड़ करके मैंने अजवाइन के पराठे बना दिए हैं। चीनी भी खत्म थी तो गुड़ चाय में डाल दिया और चाय को पतला भी कर दिया, क्योंकि दूध भी सिर्फ आधा कप था। हम चाय ना पिए तो दिन भी तो शुरू नहीं होता। बहू बिल्कुल ठीक बोली, चाय ना मिले तो मेरा तो सर दर्द होने लगता है। घर में पैसे नहीं है तो नवरात्रि कैसे मनाएंगे? कब से तो रोटी सूखी खा रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ। रानो चिड़िया, मैं आप लोगों को खुश नहीं रख पा रहा। पता नहीं मेरी किस्मत को किसकी नजर लग गई है। मैं जहाँ भी काम कर रहा हूँ वहाँ से निकाला जाता हूँ या पैसे कम मिलते हैं। जैसे तैसे अब जिस जगह नौकरी कर रहा हूँ उस मालिक ने तो 2 महीने से पैसे ही नहीं दिए हैं। पता नहीं इस बार भी देंगे या नहीं। मांगूंगा तो काम से ही निकाल देंगे। बस एक आशा है कि 3 महीने के पैसे मुझे मिल जाए। मिल जाएंगे बेटा, टुन्नू बेटा, मिल जाएंगे। तू परेशान मत हो, वो तो शुक्र है उसका मालिक थोड़ा बहुत समझता है। लेकिन अब हम नवरात्रि कैसे मनाएंगे? हमारी बहू की पहली नवरात्रि है, अच्छी होनी चाहिए ना। माता रानी के लिए 9 दिन के फूल चाहिए, भोग चाहिए, और कन्या वाले दिन तो कन्याओं को उपहार भी तो देते हैं और उनके लिए खाना बनाते हैं, पूरी, हलवा, चने, इन सब के लिए तो पैसे चाहिए ना।
यही तो मैं भी सोच रही हूँ पापा जी, पर हम सबको माता रानी पर विश्वास रखना होगा, वो है ना सबकी नया बेड़ा पार करती है। हाँ बहू, तो जोर से बोलो जय माता रानी। प्रेम से बोलो जय माता रानी। माँ जी पापा जी, मैं क्या सोच रही थी, हमें फूल खरीदने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही आंगन में फूल लगा लेते हैं, रोज माता रानी को वही ताज़ा फूल चढ़ा दिया करेंगे। वाह बहू, यह बहुत अच्छी तरकीब निकाली है, मुझे पता है तेरी पहली नवरात्रि भी बहुत अच्छी जाएगी। कुछ देर बाद रानू चिड़िया आंगन में गेंदे का फूल उगाने के लिए उसके बीज डाल देती है और रोज उसका ख्याल रखती है। वैसे रानू चिड़िया जब से शादी करके अपने गरीब ससुराल में आई थी, वो सबका बहुत ख्याल रखती थी, चाहे 10 रुपए हो या 100 रुपए, उसी में ही गुजारा करके काम चला लेती थी, खाने पीने को भी मोहताज हो जाया करते थे। वहीं उसके घर के ठीक सामने उसकी छोटी बहन लाडो थी, जिसकी शादी एक अमीर परिवार में हुई थी, देर से जगना उसकी आदत थी, तो जब मन करता तब पूजा पाठ करती थी। 2 दिन बाद दोपहर में वो घोड़े बेचकर सो रही थी, उसकी सास उसे उठाती है। ए लाडो बहू, कितना सोती है, बिल्कुल नौबिता है, आप सुबह जल्दी उठकर और दिन में ऐसे मत सोया कर, 2 दिन बाद से नवरात्रि शुरू है और शादी की बात तेरी पहली नवरात्रि है, सुन रही है ना तू? क्या माँ जी? आंखें पूरी ना खुलने पर कोकिला कौवी अपनी बहू के मुंह पर पानी डाल देती है, जिससे चिल्लाकर लाडो उठ जाती है। सासू मम्मी, ये क्या किया आपने, मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी। और तू मुझे नींद में जवाब दे रही थी, 2 दिन बाद से नवरात्रि है, 9 दिन का व्रत रखना है तुझे, और यही नहीं कि बार बार खाने लगेगी और सुबह 5 बजे उठकर माता रानी की पूजा करनी है, भोग बनाना है, जितनी श्रद्धा से करेगी माता रानी तुम लोगों की शादी को उतना ही आशीर्वाद देंगी। क्या सासू मम्मी, मैं 9 दिन तक भूखी नहीं रह सकती, आई कांट, कोई शॉर्टकट बता दो, और सुबह भी नहीं जल्दी उठा जाता मुझसे, पूजा करनी है ना, मैं उठकर कभी भी कर दूंगी, और आशीर्वाद का क्या करना है, हम इतने अमीर हैं, बहुत पैसा है हमारे पास। ए बेल बुद्धि बहू, अरे निकम्मी, शुभ शुभ बोल, इतना सारा पैसा है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, माता रानी को तेरी ऐसी बातों से कहीं हम कंगाल ना हो जाएं, और पूजा दोनों वक्त ही होती है सुबह शाम, अगर तू 9 दिन का व्रत नहीं रख सकती कोई बात नहीं, पहले और आखिरी व्रत रख लेना, वरना 9 दिन के व्रत में फ्रूट्स खा लेना। है सच्ची सासू माँ, तो फिर मैं तो 9 दिन का व्रत रख लूंगी फ्रूट्स खाकर, ठीक है। अमीर बहू अपनी सास के साथ मार्केट से बहुत अच्छी माता रानी की मूर्ति लाती है, साथ ही पूजा का सारा सामान, चुन्नी, कलश, नारियल इत्यादि लाती है। घर के अंदर जाते वक्त लाडो चिड़िया अपनी बहन को चिढ़ाती है। अरे तू गोबर क्यों लगा रही है अपने घर पर? पागल, गोबर नहीं, इसे लीपना कहते हैं, इससे घर शुद्ध होता है, नवरात्रि आ रही है ना, इसीलिए मैं एक बार घर को लीप रही थी। अरे वाह, तू तो आज ही नवरात्रि का सारा सामान ले आई, माता रानी की मूर्ति भी अच्छी है। अच्छी तो होगी, पूरे 500 की मूर्ति है, और जो सामान आया है उसकी तो मैं बात ही क्या करूं, वैसे तू तो गरीब घर में रहती है तो 500 की मूर्ति ले आएगी ना, या उसके लिए भी पैसे नहीं है? अरे नहीं, मैं शाम को अपने हाथ से माता रानी की मूर्ति बनाऊंगी, कल सुबह तक मूर्ति सूख जाएगी तो मैं स्थापना कर दूंगी। ओहो बहन, तू तो सच में बहुत गरीब है, माता रानी ऐसी गरीबी किसी को ना दे, देख तुझसे भी अच्छी मेरी पहली नवरात्रि जाएगी। यह कहकर लाडो चिड़िया अपने बंगले में चली जाती है और शाम को रानू चिड़िया अपने हाथों से माता रानी की मूर्ति बनाकर सूखने रख देती है और फिर रंग कर देती है, साथ ही फूलों में पानी डालती है। अरे वाह बहू, यह फूल तो इतनी जल्दी आ भी गए और मूर्ति भी बहुत प्यारी बनाई है तूने। शुक्रिया माँ जी। अगली सुबह गरीब बहन रानो चिड़िया 4 बजे उठकर घर के अंदर और घर के बाहर की सफाई कर देती है और आंगन में रखे फूलों को रानो चिड़िया माँ के चरणों में रख घर के सभी लोगों के साथ पूजा करती है। मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का भी ब्यूटी बाना लगता है, परिवार में पड़ती नहीं सबकी जोनी, इनसे तो रिश्ता पुराना लगता है,
मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का भी दीवाना लगता है। बोलो सांचे दरबार की जय। वाह बहू, पहले दिन ही मन आनंदित हो गया, तब तो माता रानी भी खुश हुई होंगी। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन 9 बजे उठकर 11 बजे पूजा खत्म करती है। सासू मम्मी, मुझे जगे हुए 3 घंटे हो गए, अब मैं खा लूं? माता रानी को भोग जो लगाया था वो ले लूं? हाँ ले ले, लेकिन ज्यादा मत खाना, व्रत को व्रत की तरह रखना। इस तरह से 9 दिन बीतते हैं, ना तो टाइम से लाडो माता रानी का पूजा पाठ करती है और ना ही अच्छे से व्रत रखती है। वो रोज बीच में कुछ ना कुछ खाती रहती है और अपनी बहन को 9 दिन तक अलग अलग महंगे महंगे फूलों की माला दिखाकर चिढ़ाती है, लेकिन वही गरीब बहन गेंदे के फूल की माला बनाकर ही माता रानी को चढ़ा दिया करती थी। गरीबी में रानो से जैसा बन पा रहा था वो वैसा कर रही थी। ऐसे ही सारे नवरात्रि निकल जाते हैं। माँ जी, पूजा तो हो गई है, लेकिन अब कन्या बिठाने और उन्हें खिलाने के लिए राशन कहाँ से आएगा? घर में तो एक दाना नहीं है। कल मालिक से बहुत बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दो, लेकिन नहीं काम बना। इतने में सुबह 6 बजे टुन्नू का मालिक दस्तक देता है। अरे टुन्नू, कहीं से मेरे फंसे हुए पैसे आज मुझे मिल गए। मैं गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें दे चलूं। ये लो, पूरे 50,000 है। अब से तुम्हें पगार ज्यादा लेट नहीं दूंगा। सच में मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे समय पर मुझे पैसे दे दिए। अब मैं अपनी पहली नवरात्रि पत्नी के साथ मना पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं चलता हूँ। मालिक पैसे देकर चला जाता है। गरीब परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। मम्मी माफ कर दीजिए, मैंने तो अलार्म लगाया था पर आँख नहीं खुली, अब कन्या कहाँ से लाऊं? रानो बहन, तेरे घर से कन्या मेरे घर पर भेज दे, मुझे कन्या नहीं मिल रही। अच्छे मन से नवरात्रि निभाती तो तुझे कन्या मिल जाती। अपनी बहन से कुछ सीख ले, अगर ऐसे ही आलस करेगी और अपनी अमीरी पर घमंड करेगी तो कुछ नहीं होगा तेरा। अपनी सास की बात सुन लाडो को अपनी गलती का एहसास होता है और धीरे धीरे गरीब बहन रानो के हालात सुधर जाते हैं। देखा दोस्तों, अगर हमारी नियत साफ हो तो माता रानी भी हमारी मदद करती है। गरीब बहू ने सच्चे दिल से बिना कुछ खाए पिए 9 दिन के व्रत रखे तो आखिरी में माता रानी ने उनके पैसे से मदद कर ही दी। वहीं अमीर बहन ने इतना पैसा खर्चा किया और सब कुछ खा पी के व्रत रख कर भी उनके घर में सुकून से माता रानी की पूजा ना हो सकी। इसलिए कहते हैं, भगवान सिर्फ भाव का भूखा होता है, ना कि पैसों का। आप भी भाव भक्ति से माता रानी का ध्यान करें और नवरात्रि को बहुत अच्छे से मनाएं।